सो हेलो गाइस, अभी मैंने जूता पहन लिया और ये मेरा बैग है और मैं जा रहा हूँ आज फिर से नए ब्लॉग में, तो चलो चलते हैं। और हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज फिर जा रहे हैं एक और नए ब्लॉग के लिए, तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आज जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर के किनारे, वहाँ पे एक लोग की शादी है, तो शादी अटेंड करने जाते हैं और पार्टी में मज़े करते हैं और आप भी मज़े करो। तो चलो चलते हैं, अभी अपने घर से निकल लिए, तो चलो चलते हैं फटाफट। और ये हमारे यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ से चलते हैं, पूरा वीडियो दिखाएंगे यहाँ पे चलेंगे। चलो भाई चलो, ठीक पूरा वीडियो दिखाएंगे यहाँ पे चलेंगे। चलो भाई चलो, ठीक है, यहाँ का गाड़ी स्टैंड है, तो हमारी पार्टी चेंज हो गई, वहाँ से हम भाई के साथ जाने वाले हैं। चलो चलते हैं भाई, आपका नाम दीपू, तो चलो दीपू भाई के साथ चलते हैं, एक दीपू तक चलेंगे, फिर उधर तो मिल ही जाएगा। पहुँच गया और ये रहा बीरपुर चौराहा, तो हमें जाना है कोना, तो इधर से भी गाड़ी मिलेगा, फिर से चलते हैं और यहाँ से गाड़ी ढूंढते हैं, फिर पहुँचते हैं अपने यहाँ पे हैं, एक तो हम भी बीरपुर चौराहा पे हैं। और ये वाला रोड खड़गपुर से आता है और ये वाला इकोना जाता है, और ये वाला रोड जो सामने है बल्लामपुर जाता है, और ये वाला बस्ती जाता है। तो चलो हमें इकोना जाना है इस वाले रोड से, चलते हैं, कोई अभी मिला नहीं है कोई सवारी, तो चलो अभी सवारी मिलते हैं, फिर उनके साथ चलते हैं। तो चलो चलते हैं, और बीरपुर से गाड़ी अभी मिल गई मुझे और यहाँ से निकलने वाले हैं करने के लिए, और ये भाई साहब चला रहे हैं, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से गाड़ी निकल गई और यहाँ से चलते हैं करने के लिए। और ये जो रोड तो आ रहे हैं, ये हैबे है शॉर्टकट बाईपास हैबे है, जो बल्लामपुर और बैराज की ओर जाता है डायरेक्ट, बल्लामपुर और बैराज की ओर जाता है, और जो ये सीधा रास्ता जाता है एक कोना मार्केट में जाता है। तो चलो अभी कोना मार्केट मतलब पहुँच ही गए, कोना बाजार और कोना बाजार चूँकि बहुत फेमस जगह भी है, और यहाँ पे भाजी वाजी बहुत सस्ती मिलती है। और 10 रुपये ले लिए, यही गाड़ी से आया हूँ। चलो अभी चलते हैं, फिर ढूंढते हैं भिनगा के लिए गाड़ी मिल जाएगी, फिर भिनगा निकलते हैं। ये रहा इकोना मार्केट, चलो इकोना बस स्टैंड दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से, तो आप बैक कैमरे से एंजॉय करो जार का बस स्टैंड। और मैं देखता हूँ गाड़ी भिनगा के लिए यहाँ से कहाँ से मिलती है, जो देखते हैं। और ये रहा बस स्टैंड हमारे यहाँ का इकोना बाजार का, देख सकते हो कितनी ज़्यादा पब्लिक थी। तो चलो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं, तो फिर भिनगा की ओर। ये रहा इकोना मार्केट, तो हम इकोना बस स्टैंड पे अभी आ गए,
थोड़ी दूर मुझे और चलना है और वहाँ से देखना है कि गाड़ी कहाँ पे मिलती है। जो गाड़ी मिल जाती है तो इधर से जाऊँगा। फिर चलो चलते हैं। और ये रहा इकोना बाजार। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई गाड़ी में, देख तो चलो चल। अरे भाई ये देखो कैसे चला रहे ड्राइवर हो तो ऐसा हो जो सबको बैठा ले। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेमडी चौराहा, जो कि ये भी माना जाना मार्केट माना जाता है। तो आप लोग सेमडी चौराहा जो कि श्रावस्ती ज़िले में पड़ता है, और मैं इस रास्ते से कई बार आ जा चुका हूँ, और ये चौराहा भी बहुत फेमस है। आप कहीं पे भी पूछेंगे तो आपको सब लोग बता देंगे हाँ सेमडी चौराहा कैसा है। हम भिनगाय भी पहुंच गए। यहाँ से आना है विशेषया बाजार, भिनगा बाजार, क्योंकि हम अभी भिनगा बाजार में चल ही रहे हैं। और भिनगा बाजार में बस थोड़ी देर चलने के बाद 100 मीटर अभी चलना है। यहाँ से 100 मीटर चलने के बाद पहुंच जाएंगे भिनगा वाले शिष्या बस स्टैंड पे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें मिल जाएगी शिष्या की गाड़ी, तो वहाँ से भी चलेंगे हम। तो चलो चलते हैं। और ये रहा हमारे पीछे भिनगा बाजार। ऊबर होना है बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि अभी जो जिस गाड़ी से मैं आया हूँ वो गाड़ी वाला मुझे चाय पिलाया और समोसे भी खिलाया, तो यही फायदा होता है। और एक नए नए सब्सक्राइबर भी होते हैं। चलो इधर फाइनली हमें गाड़ी मिल गई सिरसिया बाजार के लिए। तो ये भाई साहब हमको लेके जाने वाले हैं सिरसिया बाजार। तो चलो चलते हैं भाई के साथ। लोग कहते हैं रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है, तो चलो आपको जंगल दिखाते हैं बहुत बड़ा। तो फाइनली हमें वो जंगल मिल ही गया। ये देखो जंगल जो कि बहुत बड़ा है, और ये सिरसिया और भिनगा के बीच में ये जंगल पड़ता है। करीब 14 से 15 किलोमीटर के बीच में है ये जंगल, और इसमें शेर बालू चीता सब चीज़ रहते हैं, सारे जानवर इसमें पाए जाते थे। पर अभी रात में ये रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, 6 बजे के बाद अब इस जंगल में नहीं आ सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। सो फाइनली पहुंच गए हम सिरसिया बाजार, और यहां से ये स्टार्ट हो जाता है सिरसिया मार्केट। अभी जा रहे हैं दीदी के घर, यहां पे फ्रेश होंगे और अपने कपड़ों पे चेंज करेंगे, पहुंचाएंगे शादी में। तो चलते हैं दीदी के घर। सब लोग देख रखे हमारे बीच, और हमारे पास सिरसिया बाजार।
यहाँ पे शीशा बाजार में हम पहुँच गए। चलो चलते हैं अभी घर पे, दीदी के घर पे, फिर वहाँ पे खड़े सोते हैं और कपड़े वपड़े पहनते हैं। देखो कैसा कितना गंदा हो गया यार, से बस मिलता रहता है और आप से लोग कहीं पर जाना चाहते हैं तो मिल सकते हो। ये फाइनली शीशा बाजार, शीशा बाजार। चलो चलते हैं शीशा बाजार। तो चलो आपको बाइक कैमरे से दिखाते हैं शीशा बाजार। ये रहा पुरानी गली, तो चलो पुरानी गली में चलते हैं और यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर मेरी दीदी का घर है। तो चलो अभी चलते हैं और वहाँ पे प्रेस होते हैं, फिर जाएंगे शादी में। तो अभी बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो अभी हम दीदी के घर पे पहुंच गए और यहाँ पे पहले हेलो 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 हेलो। तो सब लोग जा रहे हैं कोचिंग पे। तो अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक हॉट नए वीडियो में।